इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E=2kλ/r, ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला आया था 1/2πε0r और ऊपर लेमडा, ठीक है, ये दो फॉर्मूला आया था। ये मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kλ/r किसके कारण से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण से। जैसे एक लॉन्ग वायर है और इस पे हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हैं, और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जैसे मान लो पॉइंट पी यहां पे है, तो इसका हमें डिस्टेंस अगर पता है आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर उसके लिए हम यूज करते हैं E=2kλ/r, ये सभी लोग को पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, अभी जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें तीन एप्लीकेशन पढ़ना होता था, जिसका पहला मैं पढ़ाया था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब जो कल जो रिसेंट सिलेबस है उसमें से तीन में से दो कर दिया गया, जो मैं पढ़ाया था वो तो पढ़ना ही है, लास्ट वाला टॉपिक रिमूव किया गया, ये तो आएगा ही। तो इसमें एक पॉइंट होता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में लेमडा गिवेन होता है, लेमडा गिवेन होगा, के हमें पता है 9×10⁻¹, अब इसका जो यूनिट होता है वो हम यूज कर लेंगे, लेकिन यूनिट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, के का वैल्यू सिर्फ याद रखना है 9×10⁻¹, 2kλ, और आर जो डिस्टेंस होगा इसको मीटर में यूज करना, तभी आंसर सही आएगा, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में जब यूज करेंगे तो आंसर सही आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मतलब दूर जाएगा वहां से, अगर नेगेटिव होगा तो उस पॉइंट से जो वायर होगा उनके पास जा रहा होगा। लेट से दिस इज नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, इसका सबसे इजी एग्जांपल है, जैसे मान लो कोई वायर है और इस पे हम नेगेटिव चार्ज को इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं, मान लो इस पे हम इसको अरेंज किए हैं नेगेटिव चार्ज को ऐसे कि इस पे जाते वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब हर एक इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज हमें मिले, कैसा, या तो पूरा नेगेटिव होगा या फिर पूरा पॉजिटिव होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर की ओर जा रहा होगा, किसी पॉइंट से वायर की ओर, जैसे मान लो पॉइंट पी यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रेडियली इनवर्ड वायर की ओर जाना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, क्योंकि हम ये पढ़ के आए थे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर निकलता है और नेगेटिव चार्ज होगा तो पास आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ऊपर में जो 2kλ है, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 2k और लेमडा ये तीनों कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें पता है लेमडा कॉन्स्टेंट होता है, लेमडा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कॉन्स्टेंट होगा, के भी कॉन्स्टेंट होगा, टू तो कॉन्स्टेंट है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वायर, इस वायर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दिस इज आर, ये होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऐसे, 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, तो इसके लिए मैं दो ग्राफ बता दे रहा हूं, सभी लोग इसको याद रखेंगे, मैथ्स वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये मान लो अगर डिस्टेंस है, आर क्या है भाई, आर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट से उस जगह का डिस्टेंस, पॉइंट से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में पूछा गया तो बताओ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा ही बनता है ना, सभी को पता होगा मैथ्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा कुछ होगा। अब देखो दूसरा, अगर एग्जामिनर ये पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे 1/r, अब बताओ कोई कैसा ग्राफ बनेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉटिंग किया जा रहा है 1/r, तो कैसा ग्राफ बनेगा,
बोलेंगे सभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो इसको समझो, पहले ये बताओ कैसा बोलो, फिर से बोलो। बढ़िया बढ़िया बनेगा तुम्हारे सकल, इतना बढ़िया बन जाए तो फिर पढ़ना फिर दूर का बात है। ठीक है देखो भाई, ठीक है अगर तुम्हारे सकल इतना ग्राफ बन जाए इतना अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, फिर तो फिर उधर पहुंच जाओ मॉडलिंग साइड में। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इस पे समझो, ये एकदम बेसिक सा मैथ्स है जो तुम्हें एकदम ध्यान रखना है कि ऐसा बार बार पूछेंगे वो लोग, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जिनके बीच में पूछा गया है। देखो मैं टॉपिक पहला वाला डिस्कस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, जिस वायर पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में फॉर्मूला, बाकी जितने चीज है कॉन्स्टेंट मान लो, अगर कॉन्स्टेंट नहीं दिया गया तो भी, लेकिन यहां तो कॉन्स्टेंट दिया गया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यही बनता है ऐसा वाला, ये ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये ऑलवेज याद रखना, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दे, क्वेश्चन वाले बोल दें ऐसा ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r का ग्राफ बनाओ, प्लॉटिंग किसका किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r का। देखो इसमें E इक्वल्स टू फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन r। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 2k लैम्डा और r को मैं ऐसे लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2k लैम्डा इनटू 1/r। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r के बीच में ग्राफ क्या होगा। तो इसको y एक्सिस मानोगे तो x एक्सिस पूरा क्या है, 1/r है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बताओ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है कि नहीं। तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा कुछ, देखो थोड़ा सा चेंज किया गया बस, यहां r था और यहां 1/r, इतना छोटा सा चेंज, इससे ये ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत इसमें, इस वाले ग्राफ में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है। नोट कर लो इसको, इसके ऊपर लिख सकते हो प्लॉटिंग, टॉपिक है प्लॉटिंग था, फर्स्ट वाले टॉपिक का है जो लास्ट क्लास में बताया था उसका प्लॉटिंग। क्वेश्चन पूछता है ऐसा, हो गया नोट, हो गया नेक्स्ट देखो, इसमें सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, गॉस लॉ का सेकेंड डेरिवेशन है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसका लास्ट टॉपिक है ये। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो डेरिवेशन है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट
प्लेन सीट, इनफाइनाइट प्लेन सीट, इसका मतलब क्या है समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, किसके कारण से निकालना है, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। इनफाइनाइट प्लेन सीट कहने का मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये इनफाइनाइट नहीं है लेकिन प्लेन सीट, प्लेन सीट कहने का मतलब किसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो। सीधा एग्जांपल समझ सकते हो, एक कॉपी का जो पेज होता है, या एक कॉपी को समझो, या एक कॉपी का जो पेज होगा, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं बोलोगे, प्लेन सीट बोलेंगे। इनफाइनाइट कहने का मतलब इसका डायमेंशन हमें नहीं पता, इसका लेंथ और ये जो डिस्टेंस होगा ब्रेड, ये दोनों हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये प्लेन सीट। प्लेन सीट कहने का मतलब सीधा सीधी समझ सकते हो, ऐसा कुछ रफ पेज, जैसे मतलब एक पेज है, इसको हम बोल सकते हैं प्लेन सीट। और इनफाइनाइट कहने का मतलब ना ही हमें ये लेंथ पता है, ना ही ये लेंथ पता है, हमें तो सिर्फ पता है कि ये प्लेन, और इस पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देख लो, मान लो हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारे जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अपने आप होता है ये। जैसे मान लो हमने इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, तो प्लेन सीट पे पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली समझना क्या होता है इसमें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें दो चीज पता रखना है कि वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और किसका निकाल लें, तो इनफाइनाइट प्लेन सीट। इनफाइनाइट है मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है, जो इनफाइनाइट है, जिसके लेंथ को हम इस फिगर में नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा। और प्लेन सीट कहने का मतलब एक प्लेन पेज मान लो, और उस पेज पे हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्लेन सीट है और इसमें हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो चीज पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो हम पहले कोशिश करेंगे डायरेक्शन निकाल लें यहां पे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो देखो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब थोड़ा ये भी समझना है इस फिगर से, कि अगर मान लो ये प्लेन सीट है और इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो सारे जगह पॉजिटिव आएगा इस पे, जैसा ये है, और इसके पीछे अगर तुम देखोगे तो इसके पीछे भी सारे जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये समझना जरूरी है कि मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो पूरे जगह पॉजिटिव और पीछे भी पॉजिटिव। सिमिलर केस होगा नेगेटिव के साथ भी, या तो हम पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव किए तो पीछे भी पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पीछे भी नेगेटिव और आगे भी नेगेटिव, सारे जगह नेगेटिव, ये होगा। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हर एक इक्वल एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे। यहाँ पे फिगर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये इक्वल एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इसके पीछे भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से देखें तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लो ये कुछ ऐसे जो दिख रहा है वो ऐसा रखा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और पीछे वाले के लिए भी कैसा होगा, पीछे की ओर अगर ये ऐसा रखा हुआ है ऐसे करके, तो यहां से आगे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पीछे वाले के कारण से पीछे, सारे जगह से रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डायरेक्शन में जाते हैं और बाहर निकलने होते हैं। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर और इनफाइनाइट तक जाएंगे, वैसे ही पॉजिटिव से निकल के इनफाइनाइट गए और इस साइड से निकल के इधर के इनफाइनाइट पे गए, तो सारे तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर के लिए इधर और इधर के लिए इधर। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस वाले पे, तो ना ही ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ही कोई नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस बाहर होगा और इसके लिए पीछे होगा, दोनों तरफ से ये होगा। ये तो हम डायरेक्शन का बात कर लिए। अब विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले समझो यहां पे, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा गॉस लॉ के हेल्प से, तो गॉस लॉ ने बताया था कि गॉस लॉ का यूज करना है, मतलब तुम्हें गॉसियन सरफेस यूज करना होगा। गॉसियन सरफेस कैसा होगा इसके लिए समझते हैं पहले। तो पहला कुछ पॉइंट बता दूं, जब भी हम इसका बात कर रहे होंगे तो इसका तो डायमेंशन इनफाइनाइट है ना, हम छोटा सा पार्ट कंसीडर किए,
और हमें यूज करना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ होता क्या है वो समझ लो। गॉस लॉ होता है फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस और इसको किसके इक्वल यूज करना है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन नॉट। क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन ये गॉस का नियम था। क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस होता है। ये हम यूज करेंगे और कैसे यूज करना है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो जो लोग नए हैं वो लोग थोड़े पेशेंस से देखें सभी को समझ में आएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। गॉसियन सरफेस होता है जिस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है उसके पास हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे और उस गॉसियन सरफेस पे इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। अभी फिगर से बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे समझो इस फिगर को थोड़े अच्छे से बनाता हूं यहां पे उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। हमने छोटा सा पार्ट लिया है यहां पे इनफाइनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमने ऐसा कुछ लिया जिसमें मैं सारे जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं बता रहा हूं सिर्फ बता दे रहा हूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज है हर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। अब गॉसियन सरफेस अगर हम लेंगे तो ऐसा समझो ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस के लिए हमें गॉसियन सरफेस लेना है। तो गॉसियन सरफेस हम इसमें कैसा लेते हैं ये याद रखना सभी लोग। एक सिलेंड्रिकल ऐसा कुछ ले लेंगे क्योंकि इसका ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमें पता नहीं है इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। दिस गॉसियन सरफेस वो सिलिंड्रिकल नेचर का होगा जिसका रेडियस मान लो r और ये जो लेंथ है ये 2l है। यहां से यहां का लेंथ कितना है 2l जिसके बीच में ये ऐसा कुछ कार्डबोर्ड मिलेगा प्लेन सीट ऐसे समझो। ये हमारा एक प्लेन सीट है और इसके बीच से ये सिलेंडर जा रहा है ठीक है। और सिलेंडर को जब ओरिजिन पे हम रखेंगे तो यहां से यहां का लेंथ l होगा और इस साइड का लेफ्ट में भी जो लेंथ है वो l और राइट वाला लेंथ भी l होगा। टोटल मिलके 2l बना देगा। अभी बताओ इस फिगर में कोई दिक्कत है किसी को कैसे हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। हमारा प्लेन सीट रेक्टेंगल में दिख रहा है और साथ में जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो सिलेंड्रिकल नेचर का दिखेगा। ये चीज ध्यान रखना है। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है। बताएं सभी को कोई दिक्कत है इसमें। नो सर। ठीक है। अब देखो ये लेंथ वगैरह का हालांकि कोई काम भी नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये प्लेन सीट लिया और इसमें सिलेंडर ऐसे रखा। ये प्लेन सीट होगा जो ऐसे रखा हुआ है ऐसा कुछ ऐसा इसको बीच से ये गया हुआ। तो ये हो गया प्लेन सीट जो हम दिख रहा है ऐसा फिगर में और ये सिलेंडर हमने लिया। अब क्या होगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से पॉजिटिव चार्ज के कारण से इधर को निकलेगा और पीछे के कारण से जो पीछे वाला पॉइंट होगा उससे इधर को निकलेगा। इसको ऐसे समझो ये वाला पॉइंट इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इस पॉजिटिव के कारण से इधर। तो पहले हम बात करेंगे जो इधर निकल रहा है इसके लिए हमें कौन सा सरफेस मिलेगा। इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट मिलेगा और पीछे वाले के लिए पीछे वाला पार्ट मिलेगा। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन। इस वाले सरफेस का नाम मान ले रहा हूं मैं S1 और इस वाले सरफेस का नाम मान ले रहा हूं S2। ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस दिख रहा है ये क्यों ऐसा क्यों तो तुम लोग ध्यान से देखो बहुत पहले डिस्कस किया था ये गॉस थ्योरम के समय में ही कि इस सरफेस ये कुछ ऐसा रखा हुआ है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जो तुम्हें ये दिख रहा है गोला सामने वाला इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर किधर होगा इसके लिए ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इधर को सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इधर को होगा ठीक है। और दोनों सरफेस सेम दिख रहा है इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इसका भी ए होगा। अब बात करते हैं बीच वाले सरफेस का। बीच वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये हर एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर ये
और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, कॉस 90 जीरो मतलब ये वाला पार्ट जीरो, मतलब जो हम फ्लक्स निकालेंगे एक तो इस सरफेस के कारण से आएगा और दूसरा इस, ये जो सर्कुलर पार्ट जो होगा इसके कारण से फ्लक्स कितना आएगा जीरो। तो हम लिखते हैं गॉस थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे देखो, हमने गॉसियन सरफेस का भी बात कर लिया, ये गॉसियन सरफेस GS जिसमें सरफेस एरिया हमने मान लेते हैं A। तो इसके लिए कुछ पॉइंट देख देता हूं, कंसीडर अ प्लेन शीट, कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, हैविंग पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पे गॉस लॉ लगाने का, अप्लाइंग गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ हम यहां पे लगाएंगे तो गॉस लॉ बोलता क्या है, नेट फ्लक्स फाइनेट अगर हम लिखेंगे, फाइनेट तो किसके किसके कारण से आएगा, एक तो सरफेस वन, दूसरा सरफेस टू और तीसरा सरफेस थ्री के कारण से होगा। और ये जो फाइनेट होगा ये किसके इक्वल होगा, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होता है, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का थ्योरम है कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड, ये बताया जाता है। अब नेट फ्लक्स निकालने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान ले रहे हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना मान लेते हैं ई जो हमें निकालना है, और सरफेस एरिया को मान लेते हैं इसको ए, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना मान लेते हैं ए, ई ए और दोनों के बीच का एंगल कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो। अब इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस एरिया भी इधर, तो इसमें भी कितना लिखेंगे, ई ए कॉस जीरो, और तीसरा ये वाला इसके कारण से कितना होगा जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन। यहां से देखोगे ई ए कॉस जीरो कितना होता है वन, तो ई इंटू ए, ई ए और ये भी कितना ई ए, टू ई ए इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन नॉट। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर दोनों के बीच का एंगल कॉस जीरो, हमने एरिया जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मान लिया ए, ठीक है, इसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दोनों का ई ए और साथ में एंगल कॉस जीरो, और ये वाला जो होगा सरफेस एरिया ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, जिसको लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं, ये आ जाएगा नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये आ गया ई ए प्लस ई ए टू ई ए हो गया। अब देखो चार्ज इंक्लोज को हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास तो प्लेन सीट है ना, प्लेन सीट का तो हमें डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जिसके लिए एरिया वेक्टर ये है ये वाला। अब बताओ इसको समझना, इसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, यहां तक नोट कर ले सभी को, इसको नोट करें सभी को, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको समझो, मान लो ये हमारा प्लेन सीट है, ठीक है, जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट है और इसके बीच में ये गॉसियन सरफेस था, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण से एरिया वेक्टर भी क्या होगा इधर को और इस वाले के कारण से इधर, तो वो दोनों तो हो गया, तीसरा सरफेस के लिए भी बता दिया। अब बोल रहा हूं जितने दूर में ये मार्कर आया है इतने दूर में चार्ज इंक्लोज्ड कितना हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज्ड कितना हुआ होगा इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था, सिग्मा, सिग्मा होता क्या है, सिग्मा इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एरिया, जितने एरिया में चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अगर उसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो सिग्मा आ जाएगा, इट मींस क्यू इंक्लोज्ड कितना हो जाएगा, यहां से क्यू इंक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। जैसे हम लास्ट वाले में लैम्डा यूज किए थे चार्ज पर यूनिट लेंथ, वैसे हम यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया को यूज करेंगे तो सिग्मा आएगा, तो क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो मैं यहां पे
टू सिग्मा टू इंटू ए, और क्यू इंक्लोज के जगह पे क्या यूज कर दूंगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलन नॉट, ए से ए कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलन नॉट, और ये कहां से आया, सिंस क्यू इंक्लोज इक्वल्स टू सिग्मा लिख दे रहा हूं, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज अपॉन एरिया। ये बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि सिग्मा होता क्या है, चार्ज इंक्लोज पर यूनिट एरिया, तो वो मैं यूज किया हूं, क्यू इंक्लोज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन टू एप्सिलन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन क्या आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलन नॉट बस। और डायरेक्शन एन कैप परपेंडिकुलर टू द सीट, अगर मैं सीट को ऐसे देखूंगा सामने से तो परपेंडिकुलर टू द सीट, इधर से देखूंगा तो इधर के लिए परपेंडिकुलर, जिधर होगा परपेंडिकुलर टू द सीट। रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव, रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होगा तो अंदर की ओर आएगा सारे डायरेक्शन से, जिधर से सीट देखो अंदर भेज दो, अगर पॉजिटिव देख रहे हो इससे निकाल के बाहर भेजना है। तो ये दिस इज डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। इसको सभी लोग नोट कर लें, सभी लोग नोट कर लिए इसको। बोलो भाई लिख लिए सभी कोई, ओके तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पहला चैप्टर कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चन मैं इस पे करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूछता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि गॉस लॉ में अब हम लोग को दो ही डेरिवेशन पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट करूं, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो ही डेरिवेशन पढ़ना है, एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण से जिसका फॉर्मूला आता है 2k लैम्डा बाय r, और दूसरा प्लेन सीट के कारण से जिसका फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा याद रखना है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछता है, प्लॉटिंग जो ग्राफ हम बनाते हैं इसका, उसका प्लॉटिंग कैसा होगा। तो प्लॉटिंग थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं इसमें। तो यहां पे देखोगे ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कांस्टेंट होता है और एप्सिलन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब ये जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और इसका मैं ग्राफ बना दूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लेता हूं और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलन नॉट इधर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रहता है बेसिकली, यहां पे कोई भी प्लॉटिंग नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लॉटिंग हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलन नॉट हर एक जगह।
तो बस ये ग्राफ याद रखना है, ये पूछता नहीं है, पहला वाला पूछता है 2k lambda by r। ये ग्राफ को बस याद रखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा एंड डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट। ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट होगा। जैसे मान लो ये हमारा कुछ प्लेन शीट है, तो इसके लिए इधर, इसके लिए पीछे। अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन इनवर्ड के लिए होता, अंदर, और इसके लिए भी इनवर्ड होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है बस। इसके लिए ये ग्राफ हो गया, इसको नोट कर लो सभी को। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन करना है सभी कोई को। समझो क्वेश्चन को, समझो दो इनफाइनाइट प्लेन सीट है जो ऐसे कुछ रखा हुआ है, ऐसा जो हमें दिखेगा, बस आगे का पोर्शन दिखेगा, ऐसा कुछ रखा हुआ है मतलब अंदर की ओर है, जिसके कारण से हमें सिर्फ बाहर वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, वैसा ये भी रखा हुआ है। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि इस पे जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी पॉजिटिव किया गया है, इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो कैसा है, पॉजिटिव, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है आगे से जो दिख रहा होगा इस पार्ट से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे, इस पे जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो पॉजिटिव है, और वैसा ही उस पे भी पॉजिटिव सारे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है प्लस सिग्मा वन, और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है प्लस सिग्मा टू। तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन ये है, सेकेंड रीजन ये है, और थर्ड रीजन ये, ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। पहला मान लो ऐसा दो ऐसे करके रखा हुआ है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों बुक मान लो ऐसा कुछ, दोनों प्लेन सीट है उसके इस साइड क्या होगा, दूसरा रीजन क्या है, दोनों प्लेन सीट के बीच में, और तीसरा रीजन दोनों के राइट साइड में। पहला रीजन कौन सा है, पहले वाले दोनों प्लेट के, दोनों प्लेन सीट के लेफ्ट पार्ट में है। सेकंड रीजन कहां पे है, दोनों प्लेन सीट के मिड में, बीच में कोई पॉइंट है, और तीसरा है दोनों प्लेन सीट के राइट साइड में। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन हमें बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, फिर सेकंड एंड थर्ड, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसके किसके कारण से, इन द फर्स्ट रीजन, इन द सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो सभी कोई, जैसे यहां पे दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लेट दिया गया, प्लेन सीट वन एंड प्लेन सीट टू, जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा वन है और इसका सिग्मा टू है। बताओ पॉजिटिव, पॉजिटिव के इधर कोई पॉइंट है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू इसके कारण से क्या होगा, सिग्मा वन वाले का नाम मैं दे रहा हूं ए प्लेट, इसका प्लेट का नाम दे रहा हूं ए, और इस प्लेट का नाम दे रहा हूं बी, ठीक है, प्लेट का नाम मैं लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट,
फिर सेकंड और फिर थर्ड निकालना है। तो मैं पहले बात करूंगा फर्स्ट रीजन का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट किन किन प्लेट के कारण से आएगा? तो दोनों के कारण से आएगा, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। पहले तो हम करते हैं इसको भूल जाओ, ये वाला प्लेन सीट है, इसके कारण से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा कि नहीं, ड्यू टू ए? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट, ये एरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, इस पे ये मत भूलना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर वाला रिप्रेजेंटेशन ऊपर है, हमें तो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो फर्स्ट प्लेट के जो ए प्लेट है इसके कारण से क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जो सेकेंड प्लेट है इसके कारण से भी क्या होगा, लेफ्ट में होगा। क्यों लेफ्ट में होगा? क्योंकि इसके कारण से इस साइड कुछ भी क्या देखेगा, दूर जाता हुआ, और इधर देखेंगे तो इधर के लिए दूर जाता हुआ, यहां के लिए ऐसे, और इधर के लिए इधर। तो E1 क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ए प्लेट जो, हाँ बताओ, देखो देखो समझो, बीच में शायद क्लास में नहीं होगे तुम, देखो यहां से ये प्लेन सीट है एक ऐसा जिसका हमें बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, बस ये दिख रहा है, और अंदर में एक्चुअली ऐसा कुछ है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं फिगर से। और इस प्लेन सीट के आगे भी पॉजिटिव चार्ज है और पीछे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है और ये भी कुछ ऐसा रखा हुआ है, हमें यहां पे देखना है। इस प्लेन सीट के कारण से इधर कोई पॉइंट है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा, यहां से दूर निकलता हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इस प्लेन सीट के कारण से इस प्लेन सीट के लेफ्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा उस तरफ जिधर पॉइंट होगा, तो पॉइंट तो इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। अब सेकेंड प्लेट के लिए देखो, इसको भूल जाओ, इसका काम तो हो गया, इसका नाम क्या है, ई ए, इसका काम हो चुका है। अब इसके कारण से देखो, ये भी पॉजिटिव, मतलब आगे भी पॉजिटिव पीछे भी पॉजिटिव, इस प्लेट के लेफ्ट में देख रहे हैं कोई पॉइंट यहां पे है, मतलब रीजन फर्स्ट में देखना है इस प्लेट का इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, मतलब इसके लिए भी डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट में होगा। अब बताओ समझ में आया ईए और ईबी का डायरेक्शन ड्यू टू, ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट साइड में है, हम मान लेते हैं इसको आई कैप, माइनस आई कैप हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो अगर इसको एक्स एक्सिस मानोगे तो एक्स एक्सिस के ओरिजिन से ये लेफ्ट में है माइनस आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यहां पे सिग्मा वन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साथ में माइनस आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी क्या होगा, सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और साथ में माइनस आई कैप। इसको ऐड करोगे तो वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो और माइनस आई कैप कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। इसको सही से लिख लो ऐसे, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और दोनों का डायरेक्शन माइनस आई कैप, मतलब लेफ्ट साइड में। अच्छा ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो देखो यहां पे क्या है, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। इसको ऐड करके क्या लिख सकते हो, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और साथ में माइनस आई कैप जो डायरेक्शन शो कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का बात करेंगे किसमें, रीजन फर्स्ट में, तो क्या आया, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब पूछोगे ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लो, वहां पे कुछ भी दे सकता है, दोनों का सिग्मा सेम दे दे तो सिग्मा वन और सिग्मा टू का वैल्यू सेम हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में तीन क्वेश्चन है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी याद रखना है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रहा हूं, नेगेटिव होता तो वो अलग हो जाता, तो हम तो बस अभी पॉजिटिव के कारण से देख रहे थे इन रीजन फर्स्ट, तो रीजन फर्स्ट में इसके कारण से भी इधर और इसके कारण से भी इधर आ गया, दोनों को हम ऐड कर लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो।
रीजन वन का फिगर ड्रॉ कर लेना अलग से, रीजन टू के लिए अलग से फिगर ड्रॉ करना, रीजन थ्री के लिए अलग से, एक में फिर सारा वो हो जाएगा। देखो मैं यहां से हटा रहा हूं दोनों का, रीजन वन का काम हो चुका है, रीजन वन को हटा दो। अब देखो रीजन टू का एक्सप्लेनेशन, रीजन टू यहां बीच में कहीं पे कोई पॉइंट मान लो। अब इसमें पॉइंट कहीं पे भी मानोगे ना अंदर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, जिसमें डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे कहीं पे डिस्टेंस है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में, ड्यू टू प्लेन सीट। ये प्लेन सीट ऐसा, ये प्लेन सीट ऐसा, दोनों पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है सब जगह। सेकेंड रीजन का बात करते हैं। अब सेकेंड रीजन में क्या है ना कि सेकेंड रीजन को अगर देखोगे तो ये प्लेट के राइट साइड में है, मतलब इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट या ए प्लेन के कारण से ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और इस प्लेट के कारण से हमें लेफ्ट में देखना पड़ रहा है, मतलब पॉइंट के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ए के लिए क्या होगा, पॉजिटिव से दूर जाता है, सारे डायरेक्शन में दूर जाता है ना, दोनों तरफ, इससे इधर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगा, ऐसा। और बी पॉजिटिव है, बी से पीछे देखना है तो पीछे के लिए इधर हो, तो ये आ गया। तो यहां से सेकेंड रीजन में ई नेट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, बताओ आई कैप है ना, ये इधर आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, और इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस बी के कारण से सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, अगर ऐड करोगे तो वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू और आई कैप लिखेंगे, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, आई कैप तो कॉमन ले लिए ना, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू होगा। ये आ गया सेकेंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद सभी लोग थर्ड वाले का खुद से बताएं, रीजन थर्ड में क्या होगा, रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इसको नोट कर लें सभी कोई। और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायरेक्शन तो मैं पहले भी लिख चुका हूं, वहां पे थोड़ा सा मेहनत करो और इसका आंसर बताने का कोशिश करो। थर्ड रीजन, ये इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि माइनस है, इक्वल्स टू का साइन है। देखो रीजन थर्ड के लिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, और इधर को हमें देखना है कोई पॉइंट, मान लो पॉइंट यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये भी अप्रोच किया पॉइंट की ओर, इसको भूल जाओ, ये भी इधर को आएगा, ये किसके कारण से था, बी के कारण से, इसको भूलोगे ए भी इधर है, पॉइंट यहाँ पे ए के कारण से भी किधर आएगा, इधर ई ए, और ये क्या है ई बी, दोनों का डायरेक्शन क्या है आई कैप प्लस में, तो ई नेट क्या होगा, ई ए आई कैप प्लस ई बी आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फॉर्मूला सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ए के कारण से क्या होगा, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ऐड करना चाहोगे वन बाई टू यहां पर लिख दे रहा हूं, 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप हो जाएगा,